गुड इवनिंग जी सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करती हाँ कि सारे वधिया होंगे। तो जो पिछले लैक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर देख लो, क्योंकि फिर पिछे रह जाओगे, ठीक है। सो मैं आज जो है थोड़े सामने साइंस का टॉपिक लेके आई हाँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक्स के विचों ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो पेड नहीं ले सकते, मतलब साडा तो पेड नहीं चलता, बाकी चैनल्स के जिहड़े यूट्यूब चैनल पर पेड काफ़ी जनिया के चलते आ, जो उन्होंने परचेज़ नहीं कर सकते, कई मेरे को रिक्वेस्ट भी आई है कि मैम असी परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े वीडियोस लैक्चर्स तो सानू काफ़ी हेल्प मिलती है। सो उन्हों का दिलों धन्यवाद, मैनू बहुत खुशी होंदी है, क्योंकि ये मैं जस्ट इस परपज़ वास्ते सब थोड़े लिए कर रही हूँ कि थोनू फ्री दे विच वधिया कॉन्टेंट मिले, बहुत वधिया कॉन्टेंट मिले, तो तुसी इन्ने के नाल पेपर क्लीयर कर लो फ्री दे विच। थोनू कोई ज़रूरत नहीं है पेड लैन दी, एक बुक लो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लो, बाकी 9th 10th दी अवेलेबल करवाओ आपके कोले, बस इन्ना कुछ करो ते नाल नाल वीडियोस देखो, थोड़ा पेपर क्लीयर है। अगर तुसी डेली सेल्फ स्टडी कर दो, सेल्फ स्टडी तो बैटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो लाइक शेयर कर दियो जी साडे चैनल नू, ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल है, ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अज आपां साइंस पहला SST की वीडियो आ चुकी है जी, गुरु नानक देव जी तो इन्होंने सिक्ख्यावान वो भी चैक तुसी कर सकते हो अपने चैनल पर। साइंस का जो है पहला आप क्लास कर चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एक क्लास 3 रहेगी अपनी, ठीक है, जिदे विच आपां पहला प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया सी, अपनी जो पहला है मैटल्स एंड नॉन मैटल्स, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो अज है कैमिस्ट्री, कैमिस्ट्री का पोर्शन ही आप करांगे, बायोलॉजी का भी होर कोई करवाते होने फ्री दे विच तुसी वो कर सकते हो, ठीक है। पंजाबी हिंदी आप करांगे SST भी। सो सब तो पहला शुरू करते हैं, बेसिकली गल ये है कि साइंस का टॉपिक तुसी बिना थ्योरी समझे MCQ सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैं खुद एनालिसिस किया कि SST वगैरह तो चलो नाल नाल तुसी मतलब गुरु नानक देव जी बारे थोनू पता होंदा, गुरुआं बारे थोनू थोड़ी बहुत जानकारी होंदी है, वो है भी गुरुआं जी बारे, मतलब इतिहास के बंदा बहादुर जी, रणजीत सिंह जी, ठीक है। हुण जो साइंस है उहदे लई थोनू थ्योरी पढ़नी ही पैंदी है, ठीक है। तो थ्योरी तो बिना MCQ तो थोनू हरेक चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन थ्योरी जी है वो अपने चैनल पर करवाई जाती है प्लस MCQs भी, ठीक है। सो सब तो पहला ये देखो केमिकल इक्वेशनस की होंगे ने, ठीक है, केमिकल इक्वेशनस की है, केमिकल इक्वेशनस ते इन्हां दी टाइप्स की है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किद्दां बनदे ते टाइप्स, ये मैं बिल्कुल 10th दी बुक्स चो तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ, तो तुसीं नोट्स नूं छड के इन्हां बुक्स ते फोकस करो, ठीक है, जिन्हां ने पेपर सच्चे च क्लीयर करना है। पेपर दे डेट बहुत जल्दी अनाउंस हो गई, क्योंकि अनाउंस तो हो चुकी है 5 सितंबर या 12 सितंबर, इन्हां दोनों नूं फिक्स कर लो, तो बहुत ही है, मतलब देखो 15-16 अगस्त तो आ ही चुकी है, ठीक है ना। सो आपां करदे केमिकल इक्वेशनस, केमिकल इक्वेशनस की है राजे कि मैगनीशियम एन लै लो, मैगनीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो MgO2 मतलब कि बन गया मैगनीशियम ऑक्साइड। तो मैं थोड़ा बेसिकली ये समझा रही हाँ कि जिन्ना तो आ देखो जिहड़े प्रोडक्ट बनाते हैं यू बोलते हैं रिएक्टेंट्स, कि दो आप रिएक्टेंट्स लै ले उन्हों तो प्रोडक्ट बनता, क्योंकि अपन पता केमिस्ट्री के रिएक्शनस ही होंगे, इक्वेशनस ही होंगे, कोई भी रिएक्टेंट लैके उन्हों तो प्रोडक्ट बनाना, दिस इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशनस। जिवें मैगनीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैगनीशियम ऑक्साइड बन गया, मैगनीशियम ऑक्साइड की है प्रोडक्ट है, और मैगनीशियम तो ऑक्सीजन की है रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब बस द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, मतलब आप रियलिटी तो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने आप वर्ड इक्वेशनस के लिखता, ठीक है। पहली गल कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लिया करो, कोई भी अगर तुसी रिगार्डिंग ये कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। हुण दूजी चीज़ की आ जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखो एक होंगे केमिकल इक्वेशन तो एक होंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वट इज़ द डिफरेंस। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि जिन्हें रिएक्टेंट्स है उन्ने ही प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, जिन्हों तो मिलकर आप प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, वो दोनों इक्वल, मतलब दोनों जो है वो दोनों बराबर हो। जिवें इन्होंने किया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एक ही है जी सल्फ्यूरिक एसिड, तो की बने इन्हों तो प्रोडक्ट कि बने, ये दोनों की है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कि बने जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। हुण देखो जिंक इत्थे भी 1 मोल है,
इत्थे भी वन मोल है, SO4 भी वन मोल है इत्थे भी, सो एच टू हाइड्रोजन दो है तो इत्थे भी एच टू, इदा बैलेंसड करनी आनी चाहिए हैं। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसड कैमिकल इक्वेशन कि जिन्ने रिएक्टेंट्स है उन्हें प्रोडक्ट्स होन, मोल्स दे विच उन्हें डिफरेंट डिफरेंस ना हो। ठीक है, हाँ देखो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ कैमिकल रिएक्शन। ये थोनों एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता होगा कि मास ना तो आप क्रिएट करते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस इज़ द टोटल मास ऑफ द एलीमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कैमिकल रिएक्शन, कि टोटल रिएक्टेंट्स का मास इक्वल होना चाहिए टोटल प्रोडक्ट्स के मास। बेसिकली ये सिंपल है, बैलेंसड किदा करनी है, बस दोनों साइड्स से मोल्स इक्वल होन, जिन्हें इधर जिंक है रिएक्टेंट्स उन्ने ही प्रोडक्ट्स के विच होन, जिन्हें हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स के विच है उन्ने ही हाइड्रोजन जिहड़े प्रोडक्ट्स के विच होन। बेसिकली ये मेन गल समझ आ गई, अगे चलिए। अगे देखो हूँ टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस, टाइप्स वैसे फोर होंदियां लेकिन आपां डिस्कस किनियां करांगे, तीन। फोर्थ जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, पर तीन करांगे, केड़े केड़े कंबीनेशन डिस्प्लेसमेंट और कंबीनेशन डिस्प्लेसमेंट ते दूजी जिहड़ी डीकंपोजिशन। ठीक है, चलो जी, सब तो पहला है कंबीनेशन रिएक्शन। कंबीनेशन नू पंजाबी दे विच संयोजक क्रिया भी कहिंदे आ। इहदे च की है देखो जी, जिवें आ एग्जाम्पल है, देखो दो रिएक्टेंट्स होणगे, उन्हां नू कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हों स्लेक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर तो एक प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्टेंट दो होंगे, इधरली साइड एरो तो इधरली साइड पिछली साइड की है दो या तीन होंगे, पर प्रोडक्ट है जोड़ा एक ही बनूगा, उन्होंने बोलते कंबीनेशन, मतलब जोड़ना जुड़ना। कंबीनेशन की हो गया जुड़ना, संयोजक क्रिया होंगी है जुड़ना, संयोज होना। ठीक है ना, तो मतलब दो रिएक्टेंट्स तो एक प्रोडक्ट बनया, उन्होंने तुम देख के कह दोगे भी ये कंबीनेशन रिएक्शन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछा गया है भी ये दसो कि टाइप की रिएक्शन है। क्लीयर, कंबीनेशन रिएक्शन कि होंगी है जी, जो दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते। क्लीयर, होर एग्जाम्पल देख सकते हो, जिम्मे कार्बन प्लस ऑक्साइड, ये दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक बनया कार्बन डाइऑक्साइड, ये की है कंबीनेशन रिएक्शन। जिमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो की बनया वॉटर, ये भी की आ कंबीनेशन। देखो लिखा हुआ है, मैं पंजाबी भी तुम दस दिनी हाँ, वी कैन से दैट वैन टू और मोर सबस्टांसिज एलीमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड कंबीनेशन, सॉरी द रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबीनेशन रिएक्शन। उही मैं तुम दस्या कि जदों दो या दो तो ज़्यादा सबस्टांसिज मिलते हैं कंबाइन होंगे तो एक सिंगल सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंबीनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लीयर, आई होप कि इन्ना थोनों समझ आया होएगा। ये फर्स्ट टाइप सी कैमिकल रिएक्शन दी। नेक्स्ट देखो डीकंपोजिशन, ये सेकंड टाइप है। डीकंपोजिशन पंजाबी कहिंदे अपघटन, अपघटन क्रिया, नाल नाल लिखी चलो, जो भी आती है ना अपनी वीडियो तो नाल नाल प्लीज़ तुसी जिहड़ा है नोट करया करो कॉपी पेन लैके। ठीक है, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, यही बहुत वधिया जरिया है कि तुसी नोट्स बना सकते हो। डीकंपोजिशन रिएक्शन अपघटन क्रिया, हुण ये की है, ये जमा कंबीनेशन दे उल्ट है। उहदे विच की सी, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनता सी, इहदे विच की होगा रिएक्टेंट सिर्फ एक होगा, रिएक्टेंट की होगा सिर्फ एक, जो कि टुट जूगा बहुत सारे पार्ट्स दे विच। अपघटन का मतलब की है, जो अपना नाम ही डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन मतलब डीकंपोज होना, मतलब टुट जाना, तो ये किन्ने पार्ट्स बन गए, देखो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। देखो एक रिएक्टेंट तो तीन प्रोडक्ट बनाया, दैट इज़ कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन क्रिया। जदों मैं थोड़ा होर भी एग्जाम्पल दसूँगी, जदों एक रिएक्टेंट तो तुसी नाल लिखो इनू, जो भी तुसी नोट्स बनाने हो या जो भी तुसी वीडियो देखोगे तो कॉपी पेन जरूर रखा करो। साइंस SST दी चाहे इकट्ठी लगा लो, चाहे अलग अलग लगा लो, पंजाबी हिंदी की इकट्ठी लगा लो, कि जदों एक रिएक्टेंट टुट के दो या तीन जो है प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, तो मतलब टू फॉर्म
मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जो दो या तीन जो प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक रिएक्टेंट टूट जाता दो तीन पार्ट्स दे विच। कंबीनेशन च की सी रिएक्टेंट जुड़दा सी एक प्रोडक्ट बनाता सी, लेकिन ये रिएक्टेंट टूटता है तो दो तीन प्रोडक्ट बनाता। क्लीयर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाया। जिमें आ देखो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बोलते हैं, ये दो पार्ट से भी वंडिया जाऊंगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कि डीकंपोजिशन हूँ तुम देख के दस सकते हो कि अगर एक रिएक्टेंट हो, एक रिएक्टेंट तो दो या दो तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होन तो वह डीकंपोजिशन है, अगर रिएक्टेंट दो होन तो वह तो एक प्रोडक्ट बनता होनू बोलते कंबीनेशन रिएक्शन। ठीक है, हूँ थर्ड है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, इनू थोड़ा समझना पेगा। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है विस्थापन, बस उन्होंने थां बदल जाते हैं रिएक्टेंट्स के जो प्रोडक्ट बनते हैं। देखो कि देखो वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। देखो मतलब कि जो जंग लग जाती है उदों भी जोड़े लोह है वो की हो जाता पूरा पूरा हो जाता क्योंकि वह जंग लग जाती है, जाग जी ने बोल दिया। देखो हूँ ये रिएक्शन देखो, इन तिना चो थोनू कोई भी पूछ सकते हैं भी आप दसो कि रिएक्शन है, ये किस्म दसो रिएक्शन की, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है तो इस बार मैं एक्सपैक्ट करती हूँ भी इस चैप्टर चो चार पाँच क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की बनया एफ ई एस ओ फोर प्लस कॉपर। देखो जी हूँ ये डिसप्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, विस्थापन होना मतलब आ वाला जो रिएक्टेंट्स का सी इन्हें ये कंबाइन कर लिया तो फैरिक सल्फेट बनाता तो कॉपर जोड़ा है वह कला रह गया, मतलब आ एसओ फोर ने ये रिएक्ट रिएक्शन कर ली, मतलब ये डिसप्लेस्ड हो गया कॉपर न छड़ के फैरिक न डिसप्लेस्ड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड डिसप्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन किरिया, जो पंजाबी करते उन्होंने दसदा विस्थापन किरिया। समझ आई हूँ? ठीक है ना, इदा कि जो आयरन है, जो आयरन है उन्हें एसओ फोर नाल रिएक्शन कर ली, मतलब कि उन्होंने डिसप्लेसमेंट होगी। ठीक है, जिमें मैं होर थोनों ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया, उस बाद एमसीक्यूज है। जिमें सिंपली तुसी ये समझ लो कि डिसप्लेस्ड होया एदा ए रिएक्टेंट दे नाल एदा जुड़ के वह प्रोडक्ट बन गया, मैं थोड़ा बाकी एमसीक्यूज नाल दसूँगी। ठीक है, हुण देखो ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है कि वट इज़ ऑक्सीडेशन एंड वट इज़ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुंदा ऑक्सीकरण आई थिंक, ते रिडक्शन हुंदा मैं एग्जैक्टली नाम नहीं पता पंजाबी दे विच, बस ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन याद रखो। हुण एक रिएक्शन थोड़े सामने दिख रही है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की बनया दे तो कॉपर प्लस एच टू ओ। ठीक है, ये भी एक तरह ना डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड तो बनया कॉपर, एच टू तो बनया एच टू। पहली गल जदों ऑक्सीजन कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन लैके प्रोडक्ट बनाता है उन्हों बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिदे विच मतलब हाइड्रोजन सी इन्हें ऑक्सीजन लै ली कॉपर ऑक्साइड तो वॉटर बनाता, मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गेन कर लिया, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन देता दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन होंदा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लिख लो नाल नाल रिडक्शन की होंदा, वट इज़ रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन की होंदा गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लीयर? ठीक है, क्लीयर? ठीक है, जो ऑक्सीडेशन है उदे विच ऑक्सीजन गेन हुंदी है, जो रिडक्शन है उदे विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन दे विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्लीयर? ठीक है, नहीं समझ आ गई? ये चीज़ है बस, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुम्हें मेन पता होना चाहिए। हूँ आ जाओ जी फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप 10 क्वेश्चन डिस्कस करांगे। सोडियम सल्फेट का रसायनिक सूत्र है, सब तो पहला तुम्हें पता है वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम होंगे एन ए तो सल्फेट होंगे एसओ फोर, लेकिन टू जो है एन ए मतलब सोडियम के टू होंगे तो एसओ फोर कला, सो एन ए टू एसओ फोर, ये तो थोड़ू मतलब फॉर्मूला जोड़ा है वो याद रखना पड़ेगा एन ए टू एसओ फोर।
सोडियम सल्फेट लिख लो नाल नाल सोडियम सल्फेट, ये भी पूछा जा सकता। सेकंड क्वेश्चन देखो, हूँ रिएक्शन करके दिखाते इन्होंने H2O की बन गया H2+O2। हूँ इन रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस कि करोगे, इतने 2 मोल ऑक्सीजन दे, इतने 2 हाइड्रोजन दे, इतने 1 है। जो तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे इतने 2 हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इतने भी 2 लग जाए। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों साइड्स से मोल्स इक्वल होने चाहिए, जिमें इतने 4 हाइड्रोजन है, इतने भी 4 ऑक्सीजन 2 है, तो इतने भी। बट ये रिएक्शन है कि रिएक्शन है कि एक रिएक्टेंट तो 2 या 2 वध प्रोडक्ट बन रहे आ, तो कि रिएक्शन हुई है, कि ये कंबीनेशन रिएक्शन है। कंबीनेशन रिएक्शन तो पैदा पढ़ी नहीं सी, कंबीनेशन रिएक्शन तो होंगे 2 या 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक बनता है वो, लेकिन ये डीकंपोजिशन या अपघटन क्रिया का आंसर सही है, क्योंकि एक रिएक्टेंट टुट के 2 या 2 पार्ट्स च वंडिया गया। देखो क्लियर हुई ना चीज़ हूँ, कि रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट किन्ने बन गए, 2 या 3, तो मतलब ए वाला टुट गया, रिएक्टेंट टुट के प्रोडक्ट बन गए, मतलब डिकम्पोजिशन होगी। विस्थापन तो है ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेस तो होया नहीं, कंबीनेशन नहीं, कंबीनेशन का जुड़ के एक प्रोडक्ट बनना, दूहरा विस्थापन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जी, किसे धात ते जिंक का लेप करने की प्रक्रिया कहते हैं, मतलब कोई भी मैटल है लाइक सोडियम, वो ते जिंक का लेप करता, मतलब जिंक दा उत्ते परत चढ़ाती जिंक दी, ठीक है, उन्हों की बोलते हैं, उन्हों बोलते हैं गैलवनाइजेशन, गैलवनीकरण और गैलवनाइजेशन, क्लियर। लघुकरण, वाष्पीकरण, रसायनिक प्रतिक्रिया, रसायनिक प्रतिक्रिया उदो होंगी है जो कैमिकल रिएक्शन बनती है, कैमिकल रिएक्शन होंगी है, ठीक है, ये लोहे नू जंग लगन तो बचा है गैलवनीकरण, ठीक है। अगे देखो जी फोर्थ, ज़्यादातर टाइप्स वाले क्वेश्चन जो कि थोड़ा क्लीयरली समझ आएंगे भी कि टाइप है, ठीक है, क्योंकि साइंस चो ही बहुत मार खाधी सी पिछली बारी, साइंस ने ही सबनों डुबोया सी। ये मैंने ज़्यादातर रिव्यू मिल रहे हैं कि पिछले साल वाला जो साइंस का क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा टफ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं सी, लेकिन तुसी अगर थोरोली पढ़िया होंदा फिर थोनों टफ ना लगता, ठीक है। हुण जिवें आपां पढ़ रहे हैं उदा ही तुसी सारे लैक्चर्स लगाओगे तो थोनों सब क्लीयर हो जाएगा, नाल नाल अपना सैल्फ स्टडी करो, बुक्स चो बुक्स 10th दी अवेलेबल हो जाएगियां, तुसी कितों मर्जी देख सकते हो, ठीक है, गूगल पर भी मिल जाएगी, PSEB की साइट पर मैं तुम्हें दस रही हूँ, उतों तुम लै सकते हो, ठीक है, प्रिंट कढ़वा लियो अगर थोनू मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, थोनू नहीं मिल रही हैं। तो हूँ देखो ए वाली रिएक्शन, FE आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर, हूँ ए कि रिएक्शन हुई, देखो SO4 तो इन्हें लै लिया तो की बन गया फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर कला रह गया, ठीक है, तो मतलब आ SO4 ये डिसप्लेसड हो गया, तो यह कि हुई जी विस्थापन प्रतिक्रिया, मतलब विस्थापन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कि हुई जी, ये डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, क्लीयर। अगे चलिए फिफ्थ, अज 10 क्वेश्चन डिस्कस करा, ठीक है, होर क्वेश्चन की डिमांड हुई अगर तुम चाहते हो भी असं होर MCQ सॉल्व करने ये नाल दे, तो मैं कमेंट जरूर दस दौ। एल्यूमीनियम सल्फेट, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये होगा AL2 एल्यूमीनियम 2 SO4 3, जो भी सल्फेट की गल हो पहली गल SO4 तो आएगा, लेकिन एल्यूमीनियम का की होएगा 2, एल्यूमीनियम किन्ने होंगे 2, क्लीयर, फैक्चुअल का क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्स्थ देखो, चूना पत्थर गर्म करन ते लाइमस्टोन इंज क्रिया करता है, हुण देखो एक रिएक्टेंट है उहदे तो 2 प्रोडक्ट बने, है ना, अवे आपां पहलां भी जदों थ्यूरी कर रहे सी उदों मैं तुहानूं समझाया सी, तां किहड़ी प्रतिक्रिया है, मतलब किहड़ी रिएक्शन हो रही है जदों एक रिएक्टेंट तो 2 या 2 प्रोडक्ट बनन, तां टुटदी है, मतलब रिएक्टेंट टुटिया यानी कि डीकंपोज होया, यानी कि ये किहड़ी हुई अपघटन क्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। विस्थापन तो उदों हुंदी ना रजे जदों मतलब 2 प्रोडक्ट होने वे पहली गल सॉरी 2 रिएक्टेंट्स हो, डीकंपोजि डिसप्लेसमेंट का सब तो पहली शर्त यही है कि 2 रिएक्टेंट्स होने वे तो है ही, एक कि डिसप्लेसड होएगा, संयोजन दे विच भी यही शर्त है कि 2 रिएक्टेंट्स मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लीयर। 7th, हूँ टोटल 4 टाइप्स दी कहते क्रियावान होंगे,
संयोजन ते अपघटन यानी कि कंबिनेशन एंड डीकंपोजिशन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट लघुकरण ते ऑक्सीकरण नो ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन भी एक क्रिया की किस्म है नहीं वो अलग वो तो अलग टाइप है मतलब वो टाइप भी नहीं कह सकते कि वो तो अलग प्रोसीजर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक टाइप नहीं है आप कह दिए कि कैमिकल इक्वेशनस से वो तो एक अलग चीज़ है जिद उन्होंने दसिया कि चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो कि चीज़ रिड्यूस हो रही है तो ऊड़ा तो आड़ा ही है मतलब ए तो बी सही है टोटल फोर टाइप्स ही होंगे कैमिकल रिएक्शन जो आप किया एक तो कंबीनेशन ठीक है डीकंपोजिशन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट टोटल फोर टाइप है वैसे पर डिस्कस तीन ही की ठीक है अगे चलते हैं जी एट्थ क्वेश्चन AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड AgCl NaNO3 ए च भी की होया फिर ये देखो ये डिस्प्लेस्ड हुई है ना आदि जुड़ गया AgCl वैसे दो रिएक्टेंट्स है पहली गल अपघटन तो हो नहीं सकता क्योंकि एक रिएक्टेंट ही होंगे वो दो रिएक्टेंट है दोहरा विस्थापन नहीं है अपने सिलेबस के तो आप करना भी नहीं दोहरा विस्थापन इंपॉर्टेंट नहीं है विस्थापन तो संयोजन संयोजन होंगे तो दो रिएक्टेंट जुड़ के जो तो तुक्का लगाना हो तो मैं तो तुक्का लगाना भी दस रही हूँ भी किदा लगता है ठीक है किदा ट्रिक लगती है तो दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनता यह है कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिदे सिल्वर क्लोरीन के नाल लग के ए जी सी एल बन गया तो एन ए एन ओ थ्री बन गया समझ आ गई जी ठीक है अगे चलो जी नाइनथ लास्ट ही अज वास्ते सैकेंड लास्ट सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन तो अमोनिया बनता है इस अभिक्रिया के संतुलित समीकरण मतलब कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है कंबाइन करके अमोनिया बनाते तो बैलेंस्ड कैमिकल रिएक्शन लिखो ये पहली गल तो नाइट्रोजन पता होना चाहिए हाइड्रोजन पता होना चाहिए तो अमोनिया बनता मतलब एन एच थ्री अमोनिया की इक्वेशन हुण तुसीं बैलेंस किदा करोगे एन टू है मतलब टू लगा दोगे टू थ्री टू ज सिक्स हाइड्रोजन सिक्स है यानी कि इतने थ्री लग जाएगा तो फिर बैलेंस्ड केड़ी हुई जी अपनों बैलेंस्ड पूछी है आ देखो संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस्ड रिएक्शन तो यह बैलेंस्ड है तुसी इनू नोट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है तो यह केड़ी रिएक्शन है दे टाइप भी तुसी दस सकते हो मैं केड़ी रिएक्शन जो दो तो ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते तो कंबीनेशन रिएक्शन है दिस इज़ द टाइप ऑफ कंबीनेशन रिएक्शन क्लीयर ये केड़ी है संयोजन लास्ट है जी बट नॉट द लीस्ट साइंस के अपना टॉपिक्स इदा ही कवर करी जावे थ्यूरी एम सी क्यू बस तुम अपना वो तो वो प्यार तो सपोर्ट सानू दो ठीक है क्लोरीन प्लस एन ए बी आर की बनया जी ब्रोमीन अलग हो गया ये कंबाइन कर गया मतलब ये भी कि हुई जी विस्थापन बहुत बार समझाता हूँ तो थोड़ा क्लीयर हो गया हूँ जो एन ए है वह क्लोरीन के नाल लग गया तो एन ए सी एल बन गया ब्रोमीन कर लग गया बस ये अगे हों तो थोड़ा ज़्यादा क्लीयरली पता होंगे पिछे हों पर सेम वन द सेम थिंग सो ये विस्थापन है सो आउट ऑफ टेन पहला तो अपने मार्क्स दस्यो हजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सो मस्ट सबसक्राइब टू अवर चैनल लाइक शेयर कर दियो ताकि थोनों नोटिफिकेशन मिलती रहे नाल बैल आइकन भी प्रेस कर लियो ठीक है व्हाट्सएप टैलीग्राम ग्रुप जितर भी तुसी ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन कर लियो हमेशा तुहाडे नाल एग्जाम च असीं नाल खड़े हाँ पेपर बहुत जल्दी होने वाला इस करके आपां जल्दी जल्दी समझ रहे हैं कोई भी डाउट होया तो तुसी प्लीज़ पूछ लिया करो ठीक है सो दिस इज़ द लर्न माइल साइनिंग ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग